आशा कार्यकर्ताओं पर लगातार यह समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ता जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आते हैं, उन्हें आंगनवाड़ी पर भी जाना पड़ता है, साथ ही साथ उन्हें कोविड-19 सभी काम में सहयोग भी करना पड़ता है। कई आशा कार्यकर्ताओं की इस कारण से मृत्यु भी हो चुकी है। वही इन्हीं आशा कार्यकर्ताओं को जो अपना सारा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित करती है, उनकी आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें न्यूनतम वेतन सरकार के द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें एक आवश्यक कर्मचारी निधि भी प्रदान नहीं की जा रही है। वही सरकार के लिए तो काम करते हैं, परंतु वे सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस विषय पर सरकार का कहना है कि वह शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं, परंतु आशा कार्यकर्ता का यह कहना है कि उनके पास सभी आशा कार्यकर्ता एक जैसी नहीं है। कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री ले रखी है, परंतु सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। आशा कार्यकर्ता वास्तव में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर इस समय धरने पर बैठी हुई हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि उन्हें न्यूनतम वेतन भत्ता प्रदान किया जाए, उनकी स्थायी सरकारी सेवा में स्वीकृति हो, और साथ ही साथ उनके प्रूफ मांग है कि उनके साथ इसी आशा कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार में किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। आशा कार्यकर्ता इन मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय विधायक सतीश सिंह सिकरवार एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से अपनी समस्याओं को बताया। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि वे उनके लिए कार्य करेंगे, परंतु आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कब इस विषय पर अपना ध्यान देंगे, यह बात सोचने लायक है। नाम है मैम? मेरा नाम रजनी गुप्ता है, मैं आशा कार्यकर्ता ग्वालियर जिले से हूँ। अच्छा, किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं? हम अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा कोई निश्चित मानदेय नहीं है, हमारी कोई भी एक निश्चित राशि नहीं है जो हमें हर महीने दी जाती है। हमें सिर्फ एक प्रोत्साहन राशि पर कार्य कर रहे हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में दी जाती है। इस कारण से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा एक निश्चित मानदेय 18,000 किया जाए और सहयोगियों का 24,000 रुपये किया जाए। आपने अपनी इन मांगों को लेकर अभी तक किन किन राजनेताओं या फिर लोगों से आपने संपर्क किया? अभी तक हमने अपनी मांगों को लेकर के यहाँ के ग्वालियर जिले के विधायक सतीश सिकरवार जी को भी दे चुके हैं हम ज्ञापन, और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के यहाँ भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, और जितने भी हमारे MLA हैं यहाँ के, हम उनको ज्ञापन दे चुके हैं। कलेक्टर साहब को भी दिया है और CMO साहब को भी दिया है हमने अपना ज्ञापन, और जबकि भारत सिंह कुशवाहा जी को हमने अपना ज्ञापन दिया है, और जो है हमने शिवराज सिंह सरकार को भी कई बार अनगिनत ज्ञापन हम अभी तक दे चुके हैं। 2018 में हमने उनके निवास स्थान भोपाल पर भी एक प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन। उनको बहुत हमने बुलाया था बहनों ने कि वो एक बार आए, हमसे मुलाकात करें, हमसे पूछें कि हमें क्या दिया जाता है, इतना काम हमसे लिया जा रहा है उसके बदले में। लेकिन उन्होंने भी एक बार हमसे मिलकर ये पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम लोगों को क्या मिलता है, कैसे तुम अपना जीवन का भरण पोषण करते हो और क्या क्या काम करते हो। मैम, प्रद्युम्न सिंह तोमर और सतीश सिकरवार के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? सतीश सिकरवार जी के द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया कि वह हमारी मांगों को ऊपर सरकार तक पहुँचाएंगे, और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के यहाँ से भी हम पर दबाव आ गया है ऑनलाइन कि वो हमारी मांगों को ऊपर तक पहुँचाएंगे, और उन्होंने लेटर हमारा पहुँचा भी दिया है। अच्छा, तो आपकी 6 सूत्रीय मांगे क्या हैं? हमारी 6 सूत्रीय मांगे ये हैं कि सर्वप्रथम हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नंबर 2 हमारा एक निश्चित मानदेय किया जाए, नंबर 3 हमारी जो शिक्षित प्रशिक्षित बहनें हैं जो पढ़ी हैं 12th के बाद BA MA किया है, ग्रेजुएशन है, तो उनको उनसे पद से ऊपर और उन्हें प्रशिक्षित कर उनसे ऊपर आशा से ऊपर ANM सुपरवाइजर का कई और पोस्टों पर भी उनकी नियुक्ति की जाए, और 4th हमारा ये है कि जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं इसमें यदि हमारी किसी बहन के साथ कोई क्षति होती है, कोई विकलांगता होती है, या किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है, किसी भी तरह का हमारे साथ घटना होती है, तो सरकार हमारे लिए कुछ जो है कम से कम 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपये की राशि दे, जिससे हमारे परिवार का बाद में पालन पोषण हो सके। और 5वां ये है कि हम जब कार्य कर रहे हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन एक उम्र के बाद जब लोग रिटायर्ड होते हैं, इस तरह से हमारी भी उम्र जब बीतने के बाद हम जब इस कार्य से थोड़ा मुक्त होंगे तो हमारे लिए क्या होगा सरकार के पास, हमारा भी कोई फंड होना चाहिए, कोई हमारी पेंशन होनी चाहिए। 5वीं बात है कि हमारी जो है यदि हमारे बाद
हमारे बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति भी होनी चाहिए। इस तरह से हमारी 5-6 से लेकर के मांगे हैं जो कि सरकार को हमारी सुनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।